हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शर्मा हारमोनियम गुरु और मैं ऐश कुमार शर्मा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हारमोन बिगनर्स के लिए बहुत ही सुंदर ट्यूटोरियल है और इसका टाइटल है साका रियाज। दोस्तों, यदि आपने साका रियाज नहीं किया है तो आगे आप कैसे बढ़ेंगे? हमारे संगीत की दुनिया का पहला ये स्टेप है सा। और एक कहावत भी है कि एक साधे सब साधे सब जाए। यदि हमारा एक नंबर की सीढ़ी को हमने ढंग से साध लिया तो ये जो मंजिल है अपने आप स्ट्रॉन्ग ही बनेगी। कहने का मतलब, अगर उसकी फाउंडेशन ठीक है तो मंजिल अपने आप मजबूत होगी। तो इसी विषय में आज मैं आपको इसी टॉपिक पर जोर दूंगा कि आप साका रियाज ढंग से करें। क्या होता है कि हम जो गाते हैं और बेसुरापन, पूरी फुल आवाज़ नहीं लग पाना, ये साके रियाज की कमी के कारण होता है। तो हमें अधिक से अधिक, सबसे पहले जब हमारे स्टार्टिंग डेज होते हैं, जब हम तालीम लेते हैं, तो हमें साका रियाज बहुत अधिक करना चाहिए। कैसे? सा साके रियाज को हम आकार में भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आकार में, ओंकार में, आकार में देखें, रियाज हमें बहुत अधिक करना चाहिए। इतना अच्छा रियाज होना चाहिए कि ये हारमोनियम का सा और हमारे गले का सा, यानी गले की जो साउंड है, 100% मैच होना चाहिए। यहाँ पर सा, अगर ये पहला नोट मैच नहीं हुआ तो आप गांठ बांध के समझ लेना कि कोई भी नोट सही नहीं लगेगा आपका। ओम का रियाज भी करें, भगवान का नाम भी, ईश्वर का नाम भी है ओम। ओ जब भी आप हारमोनियम पर रियाज के लिए बैठे तो कम से कम 5 मिनट तो आप सिर्फ सा भरिए। एक हमें एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है सा भरने से और फिर गला तैयार हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। सा सा भरने के बाद आकार में, ओंकार में, सरगम के रूप में, उसके बाद सरगम, शुद्ध सरगम निकालें, फिर देखना आपका गला, आपके स्वर कितने अच्छे मैच करते हैं। सा रे ग म प ध
जब भी आप रियाज करें, जल्दबाजी नहीं करें। सबसे पहले सा को बहुत देर तक भरें, ओनली सा को आकार के रूप में सा बोल करके, ओमकार बोल करके ज़्यादा से ज़्यादा सा। देखिए दोस्तों, कमज़ोरी इसलिए होती है आपको आगे चल करके, इसलिए आप अपने वीकनेस महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपने जो बुनियादी रियाज है वो ढंग से नहीं किया है। और फिर ये बाद में आपके कुछ रियाज नहीं हो पाएंगे। बेसिक जब स्टार्टिंग सीख रहे हैं तभी रियाज करना चाहिए, और हर नोट के ऊपर एक ठहराव देना है, इतना नहीं, ऐसे नहीं। सारे ग म प द नि स स नि द प म ग रे स, जब शुरू में हम रियाज कर रहे हैं तो ठहर ठहर के रियाज करना है, रुक रुक करके बड़ी देर तक स्टेबल रहना उस नोट पर। सा रे ग म प द नि स सा इसी टाइप आकार में रियाज करें और ठहराव देके हर स्वर पे कुछ सेकंड तक रुक करके आ कुछ लोग जब गाते हैं, अभ्यास करते हैं तो उनकी आवाज़ दब जाती है, यानी कि उनकी आवाज़ तो पता नहीं कहाँ चली जाती है, हारमोनियम की आवाज़ सुनती है। तो ऐसे भी नहीं गाना, आवाज़ आपकी सुनना चाहिए। आपकी आवाज़ तब सुनेगी क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी लाउड होगी और हारमोनियम में 100% मैच होगी, तभी आपकी आवाज़, यानी कि अपने गले का साउंड और हारमोनियम का साउंड बिल्कुल मैच हो जाएगा, और आपकी आवाज़ थोड़ी लाउड होगी हारमोनियम से तो आपकी आवाज़ सुनाई देगी, वरना हारमोनियम की आवाज़ सिर्फ सुनाई देगी, पता ही नहीं चलता कौन क्या गा रहा है। तो दोस्तों मेरा यही सुझाव है, यदि आप हारमोनियम बिगनर हैं तो आप इस चीज़ को छोटे में न लें, हल्के में न लें इसको, इसके बहुत बड़ी चीज़ है। इन्हीं 7 स्वरों के ऊपर ये मंजिल बनी हुई संगीत रूपी, हर गीत इसी पे फ्रेम होता है। सारे ग म प द नि स स नि द प म ग रे स दोस्तों आज तो मैंने सिर्फ सा का रियाज बताया हुआ है, सा का रियाज बताया और बाद बाकी स्वरों को भी उसके बाद में सा भरने के बाद में गाना है और तरीकेबद्ध गाना है। रियाज अच्छा होना चाहिए। आपका साउंड जब तक नहीं मिल रहा है हारमोनियम से, तब तक ये समझ लीजिए कि आपका जो है ना स्वर ज्ञान कच्चा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।